नमस्कार दोस्तों, हिंदी दिन कल्चर पर आपको स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करेंगे दोस्तों अपने लैपटॉप या पीसी का स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं दोस्तों बिना किसी सॉफ्टवेयर के, दोस्तों विदाउट सॉफ्टवेयर। दोस्तों ये मैंने YouTube पर सर्च किया दोस्तों ऐसे वीडियो बनाने, दोस्तों जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं दोस्तों ये पहला वीडियो मेरा है दोस्तों जो इस टाइप का मैं वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग बहुत प्यार दीजिएगा दोस्तों, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने के लिए बताऊं पहले, अगर आप मेरे हिंदी जंगम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज तो मेरे हिंदी जंगम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं अगला वीडियो अपलोड करूंगा आप लोग देखने में आसानी हो। दोस्तों आप लोग मेरा यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप YouTube पर सर्च करें दोस्तों तो अभी आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा दोस्तों। दोस्तों ये मेरा पहला वीडियो है दोस्तों जो आपको YouTube पैसा मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अपने लैपटॉप या पीसी में अपना हम गूगल खोल लेंगे दोस्तों। इसके बाद हम लोग सर्च करेंगे दोस्तों एनी डिस्क। दोस्तों मात्र ये 3-4 MB का ऐप है दोस्तों। दोस्तों अगर आप अपने लैपटॉप या पीसी में स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप डाउनलोड करेंगे दोस्तों मिनिमम कम से कम वो 60-70 MB से ऊपर ही आएगा दोस्तों, प्लस उसके साथ वाटरमार्क भी आ सकता है दोस्तों। दोस्तों और पहले हम इस ऐप को डाउनलोड करेंगे दोस्तों, एनडिस्क ऐप दोस्तों जो है इसे हम लोग इंस्टॉल करेंगे अपने फ़ोन से, दोस्तों सॉरी अपने पीसी से इंस्टॉल कर लेंगे इसको, या डाउनलोड ना पे क्लिक कर देंगे दोस्तों, इसे इंस्टॉल करेंगे दोस्तों। यहाँ पे क्लिक करते ही हम लोग का डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। सिर्फ दो इसे इंस्टॉल करके इसे ओपन कर लेना है दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ ओपन कर लिया दोस्तों। दोस्तों आपको ये साइड में दिखेगा दोस्तों, आपका इसकी आईडी दिख रही हो दोस्तों, जो लास्ट में आप देख सकते हैं 719 है दोस्तों, लास्ट में आप देख सकते हैं वो इस ऐप की आईडी है दोस्तों। दोस्तों सिंपली दोस्तों अब कुछ करना नहीं है दोस्तों, फिर हम लोग को बैक आकर अपने फ़ोन में आना है दोस्तों। दोस्तों अपने फ़ोन में हम जाना है प्ले स्टोर पर दोस्तों, फिर नॉर्मली दोस्तों यहाँ पर हम लोग को डाउनलोड करना है दोस्तों एन डिस्क ऐप दोस्तों। फ़ोन में भी अपने हम अपने एन डिस्क ऐप इंस्टॉल करेंगे दोस्तों अपने फ़ोन में ही, यहाँ हम लोग सर्च करें दोस्तों एन डिस्क। दोस्तों देखिए ये पहले नंबर पर दोस्तों, मैं ये पहले इंस्टॉल किया दोस्तों, इस समय अपडेट मांग रहा है दोस्तों। दोस्तों मैं अपडेट नहीं करूँगा दोस्तों, यहाँ नॉर्मली मैं यहाँ से बैक आऊँगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अभी मैं अपडेट करूँगा कुछ समय लगेगा दोस्तों, यहाँ से मैं नॉर्मली बैक आ जाऊँगा दोस्तों। फिर दोस्तों यहाँ बैक आ जाएंगे दोस्तों हम अपने, फिर दोस्तों हम अपना ऐप ओपन करेंगे दोस्तों। ये मैंने पहले से इंडस्क में कनेक्ट करके दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा था दोस्तों, इसका ये दिखा रहा है दोस्तों पहले से ही कि मैं अपना पीसी कनेक्ट किया हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मैं इसी तरह अपना पीसी कनेक्ट करता हूँ दोस्तों। फिर दोस्तों हम वहाँ से एग्जिट हो गए हैं दोस्तों। फिर अब जो आपका आईडी था उसमें दिखाया था 716 दोस्तों जो था उसे यहाँ इंटर करेंगे दोस्तों, यहाँ पर अपना आईडी इंटर करेंगे दोस्तों, कुछ यहाँ से परमिशन मांगेगा दोस्तों, अलाउ कर दीजिए दोस्तों आप लोग, इतना दोस्तों आप लोग कर ही सकते हैं दोस्तों। या फिर दोस्तों आपके लैपटॉप में एक पॉपअप मैसेज जाएगा दोस्तों एक्सेप्ट करने के लिए दोस्तों, कंफर्म करने के लिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए दिख रहा है प्लीज़ वेट योर रिमोट साइड टू एक्सेप्ट योर डिसीजन दोस्तों, यहाँ एक्सेप्ट हो गया दोस्तों लैपटॉप में अपने, ये आप कनेक्ट हो गए हैं दोस्तों। दोस्तों आप देख सकते हैं ये आपका लैपटॉप दोस्तों, देखिए कनेक्ट हो गया दोस्तों। दोस्तों आपको यहाँ देखना स्क्रीन आपका जो रोटेट है उसे ऑफ ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, जैसे आपका रोटेट हो जाए दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पर कर दिया दोस्तों, ये मेरा रोटेट हो गया है स्क्रीन दोस्तों। दोस्तों सिंपली कुछ करना नहीं दोस्तों, अपने फ़ोन का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेना दोस्तों। जो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ दोस्तों ये रेडमी Y1 का मोबाइल है दोस्तों, इसमें ऑलरेडी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है दोस्तों। अगर दोस्तों आपके फोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं है दोस्तों तो दोस्तों आप उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डिंग दोस्तों। फिर दोस्तों अपने लैपटॉप का स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों ये मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग है दोस्तों, आप देख सकते हैं ऊपर मेरा मोबाइल का जो टाइमिंग दिखा रहा है, बैटरी दिखा रहा है, परसेंटेज दिखा रहा है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आप लोग को वीडियो पसंद है लाइक जरूर करिएगा दोस्तों।